पंजाब के हमारे सलाहकार शशि धवन जी द्वारा आज हमारे यहाँ पर एक मीटिंग का गठन किया गया जलंधर स्तर की डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जिसमें सभी सदस्यों को पदाधिकारी बनाया गया और सदस्य जो भी उपस्थित थे उन सब बताया गया और भविष्य में समाज सेवा के जो भी कार्य करने हैं हम समाज के लिए कुछ अच्छे कर्म कर सकें। हमारा मोटिव जो चढ़ती कला ह्यूमन राइट्स का है वो सिर्फ ये है कि हमने पहले बताया बच्चों के बारे में और अपने वृद्धा जो हमारे माँ बाप पिता हैं उनके बारे में हमने कार्य करना है और अपनी वातावरण को शुद्ध करना है। हमारी संस्था का सबसे पहले यही काम रहेगा और हर महीने हम कोशिश करेंगे अपने नए और जानों को साथ में नियुक्ति पत्र दें, हम अपने साथ संस्था में जोड़ें और अपने काम को हम लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम मानवी, मैं चढ़दी कला ह्यूमन राइट्स की डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट महिला विंग दी मैनू नियुक्त किया गया है। तो मेरे थले जिन्नी भी टीम लगी है मैं उन्होंने सारे को असी अपने पंजाब दे विच जेड़े वापरते पे ने घटनावां हो रही असी उन्हों का सुलझा करांगे, तो नाले बच्चियां नू अपने जेड़े साढ़े सीनियर्स हैगे वृद्ध उन्हों की असी लुक आफ्टर, तो जेड़े केस साढ़े को आते हैं बेशक घर के मनमुटावा बेशक बाहर है होंगे मनमुटाव असी उन्होंने सारे का सुलझा करांगे। तो ये मैं जलंधर शहर की सारी कहती हाँ कि साडा तुसी सहयोग दिओ सानू अगे वधाओ। धन्यवाद जी। मैं प्रभा शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष चढ़दी कला ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के द्वारा सूचित करना चाहती हूँ कि हमारा ये संस्था बनाने का मेन मकसद जो है वो सामाजिक अन्याय को दूर करते हुए बेसहारा और गरीब लोगों को न्याय दिलाने में सर्वप्रथम होगा। हम चाहते हैं कि हमारे शहर का हमारे देश का पर्यावरण बहुत अच्छा हो, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें और वो हमारे इस संस्कृत को आगे लेके जाएं, सभ्यता से दिन गुजारें। जो लोग बच्चे जो हैं आजकल नशा प्रवृत्ति में पड़ गए हैं उनको सुधारने के लिए हमारी संस्था आगे आके काम करे। और इसके अलावा जितने भी सामाजिक कार्य हैं जैसे जल का, बिजली का, अननेसेसरी जो यूज़ होता है उन लोगों को परिचित कराना, उनको उन बातों से रोकना ताकि वो इन चीज़ों का परहेज़ करें और मितव्ययता से चलें। मतलब धन्यवाद। हाँ, मैं रेणु शर्मा नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका नाम तो ही पता है कि ह्यूमन राइट्स यानी कि जो भी लोगों के हमारे जो राइट्स हैं मतलब अधिकार हैं उनके लिए उनको जानकारू करना, ठीक है, उनको जानकारी करवाना कि हाँ भी आपके राइट्स क्या हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तो हमारे नॉलेज में आ जाते हैं उनकी तो हेल्प हो जाती है, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं आते हैं, है ना, उनको भी हमने ये नहीं सोचना है कि वो गरीब है। उसको देख के कई बार बहुत सारा हम देखते हैं कि जो तो अप्रोच वाले होते हैं उनकी हेल्प हो जाती है बट जो नहीं करते उनकी हेल्प नहीं हो पाती है, हमें उनकी हेल्प करनी है। ह्यूमन राइट्स का मतलब यही है कि सबकी ये नहीं देखना कि वो कैसा है, कैसा है, उसकी अप्रोच है, जब वो किसके साथ है, हमने सबकी हेल्प करनी है चाहे वो किसी भी वे में हो, किसी भी वे में हो। थैंक यू सो मच। जीने का सभी को अधिकार है, तो हमारी संस्था का मेन मकसद जो यही है कि जियो और जीने दो और सब खुशहाली से रहें, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। बिल्कुल। अगर आपने अन्याय की बात की है, आज पुरुषों के साथ काफी अन्याय हो रहा है, ससुराल वाले आप देखा होगा जब से ये मोबाइल फोन आए हैं ससुराल वालों का घर में छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी इंटरफेयर रहता है, जिनकी वजह से आज घर टूट रहे हैं जो पहले नहीं होता था, उसके बारे में आप क्या कहें? इसमें दोष तो दोनों तरफ ही होता है जी, कहीं लड़की को पीड़ित होना पड़ता है और कहीं लड़के को पीड़ित होना पड़ता है, लेकिन ये तो दोनों पक्षों की बात सुन के ही पता चलता है। जिसके साथ अन्याय हो रहा है हमारी संस्था उसका साथ देगी, जो नजायज़ कर रहा होगा उसकी कोई मदद नहीं करेगी, उसको दंड दिलवाने में हमारी संस्था की कोशिश होगी। मैडम, अगर देखा जाए पुराने समय में मायके वाले घर में औरतों को बसने के लिए काफ़ी मतलब उनका सहयोग करते थे, आज के समय में मायके वाले उनको खुद शह देते हैं कि अपना बैग उठाओ घर पे आ जाओ,
ऐसी चीजों से घर टूट रहे हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? बात यह है कि पहले अनपढ़ लोग हुआ करते थे, औरत को सिर्फ एक घर में रहना ही सिखाया जाता था और पूरी सभ्यता दी जाती थी कि कैसे समाज में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना। लेकिन आज क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर के अधिकार मिल गए हैं, सभी को स्वतंत्रता पूरी मिली हुई है, इसलिए औरतें भी जो हैं वो अपने ढंग से विचार से सोचती हैं, वो भी किसी के अधीन रहना नहीं चाहती। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसी वजह से होता है कि लड़की अपनी बात मनाना चाहती है, लड़का अपनी बात मनाना, वो आपस में झगड़ा होता है। और जो झगड़ा बढ़ते बढ़ते जो समझदार होते हैं वो तो उसी समय रोक लेते हैं, जो नहीं होते हैं वो तूल देते हैं, तो जो घर परिवार जो टूटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारी संस्था का मकसद यही है कि हम ऐसे परिवारों को जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का काम करें। जो भी पक्ष है उसको समझाने की कोशिश करें।